हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रत्नदीप सेखो, फिजिक्स फैकल्टी, सीएलसी सीकर। आज अपन जनवरी 2020 में जो जेई मेन कंडक्ट हुआ था उसका मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, 9 जनवरी वाले का। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ऑप्टिक्स से है, और इसमें अपन को ये दिया हुआ है कि एक वेसल है जिसकी हाइट 2h है और इसको दो लिक्विड से फिल किया हुआ है। एक लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2√2 है और दूसरा लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, और इन दोनों की जो हाइट दे रखी है वो हाइट h है अपने पास। अपन से ये पूछा गया है कि द अपरेंट डेप्थ ऑफ इनर सरफेस ऑफ द बॉटम ऑफ द वेसल विल बी। तो जो इस वेसल का बॉटम है इसकी अपरेंट डेप्थ कितनी हो जाएगी, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो एक ईजी अप्रोच अपन यूज़ कर लेंगे कि ये जो लिक्विड फिल किया हुआ है इसको अपन एक पैरेलल स्लैब मान लेते हैं, और इस पैरेलल स्लैब की वजह से शिफ्ट कितना प्रोड्यूस हुआ वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो शिफ्ट अपने पास आएगा, शिफ्ट होता है 1 − 1/μ relative इंटू डेल्टा टी, जहाँ म्यू रिलेटिव जो है ये म्यू स्लैब अपॉन म्यू ऑब्जर्वर, और डेल्टा टी जो है स्लैब की थिकनेस हो जाएगी। तो जब अपन पहले वाले का शिफ्ट कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 1 − 1/√2 इंटू एच। इसी तरीके से जब अपन सेकेंड स्लैब का जो कि अपर वाला है इसका शिफ्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 1 − 1/√2 × h, राइट। तो जब अपन इसमें टोटल शिफ्ट कैलकुलेट करेंगे तो जो अपने पास टोटल शिफ्ट आ जाएगा वो आ जाएगा डेल्टा ऑफ x1 + डेल्टा ऑफ x2। तो जो टोटल शिफ्ट अपने पास आएगा इन दोनों को जब अपन ऐड करेंगे तो 1 − 1/√2 × h प्लस 1 − 1/√2 × h हो जाएगा। अब हमें इसमें ये चाहिए था कि अपरेंट डेप्थ, तो जो डी अपरेंट हो जाएगा वो टोटल हाइट माइनस शिफ्ट। तो जो इसकी टोटल डेप्थ है अपने पास कंटेनर की वो है 2h, इसमें से अपन जो शिफ्ट है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे ही अपन इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए h और h, ये 2h तो एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, फाइनली अपने पास आ जाएगा h/√2 + h/√2, तो ये आ जाएगा 3 × h/√2। अगर अपन इसको √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो अपने पास आंसर आ जाएगा 3/4 × √2 × h, जो कि ऑप्शन सेकंड अपना मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये ग्रेविटेशन से है, और इसमें हमें दिया हुआ है कि अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अबाउट अ प्लेनेट। Another body of mass m/2 collides with A with a velocity which is half of the instantaneous velocity v of A. Collision is completely inelastic. Then the combined body. तो collision inelastic है और उसके बाद अपन से combined body का जो motion है वो पूछा गया है। सबसे पहले तो अपन ये बात कर लेते हैं कि अगर m mass का कोई particle v velocity से move करते हुए जा रहा है और वो किसी m/2 mass के particle से जो कि v/2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर इसके साथ कम्प्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन होती है तो ये जो कंबाइंड मास है ये साथ चलेगा, और सपोज इसकी जो वेलोसिटी है कंबाइंड मास की वो है v फाइनल। मोमेंटम कंजर्वेशन का अगर अपन यूज़ करें तो इनिशियल मोमेंटम a का है mv, b का आ जाएगा अपने पास m/2 × v/2, और ये जो टोटल मोमेंटम है ये फाइनल मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इनिशियल मोमेंटम अपने पास है mv + mv/4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 × mv/4, और राइट हैंड साइड पर अपने पास एक्सप्रेशन है 3 m/2 × v final। अगर अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो v फाइनल की जो वैल्यू अपने पास आ जाएगी वो आ जाएगी 5/6 × v। एक चीज़ तो अपन को यहाँ से क्लियर हो रही है कि जब कम्प्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन करेगा तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी पार्टिकल की उससे जो फाइनल वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। अब ऑप्शंस अगर चेक करें तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि ये जो कंबाइंड सिस्टम है ये एस्केप हो जाएगा इस प्लेनेट से, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि एस्केप होने के लिए इससे ज़्यादा स्पीड चाहिए थी, कोलिजन के कारण स्पीड कम हो रही है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें यह है कि
starts moving in an elliptical orbit around the planet. ये option ठीक बैठ जाएगा because जैसा कि fourth option में दिया हुआ है कि ये continue करेगा circular motion में, तो circular motion के लिए तो यही particular speed इसके लिए v चाहिए थी, पर अब जो speed है वो कम हो चुकी है तो circular orbit में भी नहीं जा सकता, और vertically इसलिए नहीं गिर रहा because rest पर नहीं आ रहा, ये continuously move कर रहा है, तो जो ये object है ये इस planet के around elliptical orbit पर move करना शुरू कर देगा. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि द अपर्चर डायमीटर ऑफ अ टेलीस्कोप इज 5 मीटर, सेपरेशन बिटवीन द मून एंड द अर्थ इज 4×10⁻⁵ किलोमीटर, विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम, द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ मून सो दैट दे आर जस्ट रिजॉल्व्ड इज क्लोज टू. तो अपन से ये बोला गया है कि दो ऑब्जेक्ट हैं जो मून के सरफेस पर है, इनको हमने रिजॉल्व करना है एक टेलीस्कोप का यूज करते हुए. तो अगर अपन इन दो ऑब्जेक्ट्स की एंगुलर सेपरेशन की बात करते हैं, तो एंगुलर सेपरेशन जिसको इस टेलीस्कोप से रिजॉल्व किया जा सकता है वो होती है 1.22 लैम्डा बाय डी, वेयर लैम्डा इज़ वेवलेंथ एंड डी इज़ द अपर्चर डायमीटर. अब देखिए अपन से उसने ये पूछा गया कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की मिनिमम सेपरेशन कितनी होनी चाहिए. अगर मून और अर्थ का जो सेपरेशन है इसको अपन कुछ एल कंसिडर करते हैं जो कि अपन को गिवन भी है यहाँ पर 4×10⁻⁵, तो डी अल्फा और एल का रिलेशन अपने पास आ जाएगा डी इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स एल. तो जब अपन इसको सॉल्व करते हैं ये आ जाएगा 1.22, लैम्डा अपन को दिया हुआ है 5500 एंगस्ट्रॉम, अपर्चर डायमीटर गिवन है 5 और दोनों के बीच की जो सेपरेशन दे रखी है ये आ जाएगी 4×10⁵ किलोमीटर है, तो इसको अपन को मीटर में भी कन्वर्ट करना है. तो फाइनली जो अपने पास डी की वैल्यू आ जाएगी ये सॉल्व करने पर अप्रॉक्सीमेटली 53 पॉइंट समथिंग के अराउंड आता है, तो जो इसमें क्लोजेस्ट जो अपने पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 60 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये स्क्रू गेज से है बेसिकली, और इसमें ये दिया हुआ है कि इफ़ द स्क्रू ऑन अ स्क्रू गेज इज गिवन 6 रोटेशंस, इट मूव्स बाय 3 mm ऑन द मेन स्केल. इफ देर आर 50 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज. अब अपन से स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट की बात कर रहा है, तो स्क्रू गेज की जो लीस्ट काउंट होती है बाय डेफिनेशन इसको बोला जाता है कि ये पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल. अब जो पिच है इसको कैसे डिफाइन करते हैं, जो पिच डिफाइन की जाती है पिच होती है टोटल डिस्टेंस मूव्ड ऑन द मेन स्केल पर यूनिट रोटेशन. अब जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो स्क्रू है ये 3 mm मूव करता है जब इसमें अपन 6 रोटेशंस कंप्लीट करवाते हैं, तो अपने पास जो पिच आ जाएगी ये आ जाएगी 1/2 mm. जब यहाँ लीस्ट काउंट की बात हो जाएगी तो लीस्ट काउंट अपने पास आएगा पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स. तो नंबर ऑफ डिविजन्स इसमें अपन को जो दे रखे हैं वो 50 डिविजन्स हैं, तो लीस्ट काउंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/100 mm. 1/100 mm जो है इसको अपन 0.0001 सेंटीमीटर लिख देंगे, क्योंकि जो आंसर है वो सेंटीमीटर या मिलीमीटर में अपने से पूछा गया है, तो जो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें वो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी से है, और इसमें अपन को एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एक वायर जो है बी और डी को ज्वाइन कर रही है और इस वायर में करंट पूछा गया है. अब क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक वायर है तो ये बी पॉइंट और जो डी पॉइंट है ये सेम पोटेंशियल पर हो जाएंगे, सेम पोटेंशियल पर हो जाएंगे, तो ये 1 ओम और 4 ओम का जो रेजिस्टर है ये पैरेलल में है, और यहाँ से 2 ओम और 3 ओम का जो रेजिस्टर है ये दोनों भी पैरेलल में है. तो अब देखिए अगर अपन इनको सर्किट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये 2 रेजिस्टर अपने पास मिलेंगे, एक 1 और 4 का इक्विवेलेंट. अब जैसा अपन को पता है कि 2 रेजिस्टेंस R1 और R2 अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इनका जो इक्विवेलेंट आता है
वो आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू के इक्वल होता है। तो जैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू वन अपॉन 4 प्लस वन, तो ये आएगा अपने पास 4 बाय 5 ओम। और सिमिलरली 2 और 3 जो हैं ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा अपने पास 6 बाय 5 ओम। अब ये दोनों रजिस्टर सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में इक्विवेलेंट जो होता है वो आर वन प्लस आर टू हो जाएगा। तो जैसे ही अपन 4 बाय 5 और 6 बाय 5 को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, ऐड करेंगे, तो इसकी जो इफेक्टिव वैल्यू आ जाएगी वो 2 ओम आ जाएगी। अब पूरा जो सर्किट है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम है, 20 वोल्ट की बैटरी इससे कनेक्ट कर रखी है, तो जो यहाँ करंट फ्लो करेगा, करंट की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 20/2 विच इज़ 10 एम्पियर। अब ये जो 10 एम्पियर करंट है इसके पास जाने के लिए यहाँ दो ब्रांचेज हैं, एक 1 ओम और दूसरा 4 ओम। जैसा कि अपन को पता है कि अगर कोई टोटल करंट I आ रहा है और यहाँ से फ्लो होने वाला करंट I1 है, तो पैरेलल ब्रांच में जो करंट का डिवीजन होता है ये R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I के इक्वल हो जाएगा। तो 1 ओम में से पास होने वाला अगर हमें करंट चाहिए तो इसको अपन लिखेंगे 4 अपॉन 5 इंटू 10, तो ये करंट अपने पास आ जाएगा 8 एम्पियर। सिमिलरली ये जो 10 एम्पियर करंट आ रहा है यहाँ से एंटर हुआ, अब इसने इस इक्विवेलेंट 6 बाय 5 में जाना है। जब 6 बाय 5 में ये करंट फ्लो करेगा इक्विवेलेंट, तो उसमें से अपन ये चेक कर सकते हैं कि 2 ओम रजिस्टर में से करंट कितना फ्लो करेगा। जब 2 ओम का अपन ने करंट कैलकुलेट करना है तो ये आ जाएगा अपने पास 3/5 × 10 विच इज़ 6 एम्पियर। तो देखिए यहाँ से 8 एम्पियर करंट जो आया था वो 1 ओम रजिस्टर में से आया, उसमें से 6 एम्पियर करंट जो है ये 2 ओम में फ्लो कर रहा है। इट मीन्स 2 एम्पियर करंट जो है वो B2D फ्लो करके गया होगा। तो इसका जो सही आंसर अपने पास आ जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें गिवन है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस A कैरीज अ करंट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर एट अ डिस्टेंस A/3 and 2A रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वायर इज। अब देखिए अगर एक सॉलिड वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है यूनिफॉर्मली इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में, तो इस वायर की एक्सिस से किसी आर डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। आउटसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी इस वायर के वो आ जाएगी μ0I/2πr। और अगर हमें फील्ड चाहिए किसी इनसाइड के पॉइंट पर, तो इस फील्ड को अपन लिखते हैं μ0I/r/2πr², जहाँ कैपिटल R अपन इस वायर का क्रॉस सेक्शन रेडियस कंसिडर कर रहे हैं। अब यहाँ अपन को दो वैल्यूज दे रखी हैं, आउटसाइड के लिए तो हमसे ये बोला गया है कि 2a डिस्टेंस है, और इनसाइड के लिए अपन से बोला गया है कि a/3 डिस्टेंस है। और अपन से जो रेशो पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि इनसाइड बाय आउटसाइड का जो रेशो है वो कितना हो जाएगा। तो जब अपन इस रेशो की बात करेंगे b इनसाइड बाय b आउटसाइड, इससे अपन इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आ जाएगी वो है μ0I, डिस्टेंस जो दे रखा है अपन को वो है a/3 / 2π रेडियस का स्क्वायर। और सिमिलरली आउटसाइड वाले पॉइंट पर जब अपन कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा μ0I/2π, और जो डिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है वो है 2a। इसमें जब अपन कैलकुलेशन करेंगे तो μ0I/2π कैंसिल आउट हो जाएगा, एक रिलेशन अपने पास यहाँ से बचेगा 1/3, और एक रिलेशन यहाँ से बचेगा। तो फाइनली जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो ये रेशो अपने पास आ जाएगा 2/3। तो जो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा वो आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये गिवन है इसमें कि अ पार्टिकल इज मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी ई हैज़ अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा। इफ एनर्जी डेल्टा ई इज एडेड टू इट्स एनर्जी द वेवलेंथ बिकम्स λ/2। तो अपन से डेल्टा ई की वैल्यू पूछी हुई है। अब जब डी ब्रॉगली वेवलेंथ को रिलेट करते हैं तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ को अपन कुछ इस रिलेशन से बताएंगे, λ=h/p, h प्लैंक्स कांस्टेंट है और p इसका मोमेंटम है। अब हमसे एनर्जी की टर्म्स में बात कर रहा है तो अपन मोमेंटम को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, तो अपने पास रिलेशन है p√2mk। फर्स्ट सिचुएशन जो गिवन है उसमें ये दिया हुआ है कि वेवलेंथ लैम्डा है, अगर इस पार्टिकल की जो एनर्जी है वो ई है,
और यही वेव लेंथ लैम्डा बाय टू हो जाएगी अगर अपन इसमें कुछ एनर्जी और ऐड कर देते हैं डेल्टा ई अमाउंट से। इन दो इक्वेशंस को अपन ने सॉल्व करना है, तो देखिए जब दोनों को सॉल्व करते हैं तो 1/2 टाइम्स लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू वहां से अपन रिप्लेस करेंगे, इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू अपने पास आएगी, तो ये आएगा अपने पास एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m ई प्लस डेल्टा ई। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, एच कैंसिल आउट हो रहा है, 2m कैंसिल आउट हो रहा है और दोनों साइड अपन स्क्वायरिंग करेंगे तो ये वैल्यू आएगी अपने पास 1/4 टाइम्स ई इक्वल्स टू 1/ ई प्लस डेल्टा ई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और आगे जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो डेल्टा ई की जो वैल्यू आएगी वो अपने पास आ जाएगी 3 टाइम्स ई, और जो करेक्ट आंसर इसमें मैच कर जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें अपन से दिया हुआ है कि एक एम मास का चार्ज पार्टिकल है, इस पर चार्ज दिया हुआ है और इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई कैप एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के कैप एंड फॉलोज अ ट्रेजेक्ट्री फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू एज शोन इन द फिगर, द वेलोसिटीज एट पॉइंट पी एंड क्यू आर वी आई कैप एंड -2vj कैप, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एक तो इसने मेंशन किया हुआ कि जो ट्रैजेक्टरी है वो उसके नॉट टू स्केल, इट मींस कि हमें ये नहीं इसमें बॉदर करना है कि ये इसी पाथ को फॉलो करते हुए जा रहा है। दूसरा ऑप्शन अगर देखें तो हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, इसमें वर्क डन और उसके रेट की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो अपन ये चीज़ देखेंगे कि जब इस पार्टिकल पर दो फोर्स लग रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होता है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहता है, इस वजह से वो कोई पावर डिलीवर नहीं करेगा। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज आएगा वो चेंज किस वजह से आएगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण आएगा। तो सबसे पहले अपन वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे, तो के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल्स टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी फोर्स लगेगा। तो देखिए फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हमें मिल रही है वो 2v स्पीड के करस्पॉन्डिंग आ जाएगी, हाफ इंटू एम इंटू 2v का स्क्वायर, माइनस जो इनिशियल एनर्जी आएगी वो है हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू वर्क डन बाय फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स आएगा वो आ जाएगा क्यू इंटू ई, और इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा आई कैप के अलॉन्ग है। तो इसका वर्क डन देखने के लिए अपन डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट देख लें फोर्स के अलॉन्ग, जो कि 2a के इक्वल आएगा। तो जैसे ही अपन इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से तो आएगा अपने पास 2mv स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर, तो दिस इज 3/2 mv स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्यू इंटू ई इंटू ए। यहाँ से अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपने पास वैल्यू आ जाएगी 3mv स्क्वायर बाय 4qa, जो कि फर्स्ट ऑप्शन इससे मैच करेगा। अब नेक्स्ट इसमें जो अपन से डाटा दिया हुआ है उसमें यह पूछा गया है रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए रेट ऑफ वर्क डन जो है इसको अपन पावर बोल सकते हैं, और बाय डेफिनेशन जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो हो जाएगी एफ डॉट वी। अगर फोर्स और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाएंगे तो उस फोर्स ने जो पावर डिलीवर करनी है वो जीरो हो जाएगा। अब पी पॉइंट पर अगर अपन से पावर की बात कर रहे हैं तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, जिस वजह से इसके कारण लगने वाला फोर्स भी सेम डायरेक्शन में आ जाएगा और वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ जो पावर डिलीवर हो जाएगी इसको डायरेक्ट अपन एफ इंटू वी लिख सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन में हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना आ रहा है 3/4 mv स्क्वायर बाय qe, तो जो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर क्यू इंटू ई के इक्वल, वो अपने पास आएगा 3/4 mv स्क्वायर बाय a। फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो जो डॉट प्रोडक्ट है इसको अपन डायरेक्ट फोर्स इनटू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। तो अपने पास जो पावर डिलीवर्ड आ जाएगी इसमें वो आ जाएगी 3/4 mv क्यूब बाय a। तो जो सेकंड ऑप्शन बी है ये भी अपना इसमें मैच कर रहा है। सी पार्ट जो पूछा गया इसमें पूछा गया रेट ऑफ वर्क डन बाय बोथ द फील्ड्स एट क्यू,
तो देखिए क्यू पॉइंट पर अपन से बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसा कि पहले भी अपन बात कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो भी फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, तो उसकी जो पावर डिलीवर्ड आती है वो हमेशा जीरो रहेगी। दूसरा क्यू पॉइंट पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो तो एक्स डायरेक्शन में है और जो इसकी वेलोसिटी है वो वाई डायरेक्शन में है, और फोर्स और वेलोसिटी यहाँ दोनों परपेंडिकुलर हैं जिस वजह से इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो पॉइंट क्यू पर दोनों फोर्सेस की जो पावर डिलीवर्ड आ जाएगी वो जीरो आ जाएगी, तो सी ऑप्शन भी इसमें करेक्ट रहेगा। और लास्ट में ये पूछा है डिफरेंस बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एट पी एंड क्यू। देखिए सबसे पहले तो एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं और इसमें ये मेंशन नहीं किया हुआ कि किस पॉइंट के अबाउट इसको एंगुलर मोमेंटम देखना है। अगर अपन ओरिजिन के अबाउट देखते हैं तो ओरिजिन के अबाउट इसका जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा वो माइनस के कैप की डायरेक्शन में आएगा, और उसकी जो वैल्यू हो जाएगी उसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये हो जाएगा एम वी इंटू ए। और अगर अपन से क्यू पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ पूछा जाता है तो वो जो एंगुलर मोमेंटम आएगा डायरेक्शन उसकी भी क्या हो जाएगी, राइट हैंड रूल से देखेंगे तो माइनस के कैप की डायरेक्शन में आएगा और उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा अपने पास एम इंटू टू वी इंटू टू ए, डायरेक्शन इसकी है माइनस के कैप में। तो फाइनली जो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ आएगा ये आ जाएगा फोर टाइम्स एम वी ए माइनस के कैप में। अब देखिए अपन से ये पूछा गया डिफरेंस बिटवीन मैग्नीट्यूड, अगर पॉइंट ओ के अबाउट इस मैग्नीट्यूड का डिफरेंस देखना है तो वो आ जाएगा थ्री टाइम्स एम वी ए, जो कि इस गिवन ऑप्शन से मैच नहीं कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में अपने पास ए बी और सी तीन ऑप्शन सही मैच कर रहे हैं, जो कि ऑप्शन फोर्थ जो है इसको अपन करेक्ट चूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अपने पास रोटेशन से है और इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन की बात कर रहा है। तीन स्फीयर दे रखे हैं, मास एम है, डायमीटर इनका डी है, और ये जो तीनों स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जो इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, जिनकी साइड जो है वो डायमीटर के डिस्टेंस के इक्वल है। देखिए अपन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा हुआ है, आई ओ उसका रेशो आई ए के साथ चाहिए, जहाँ आई ओ जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंट्रॉइड, और आई ए जो है ये ऐसी एक्सिस है जो इसके सेंटर से पास हो रही है और ट्राइंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। सबसे पहले तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में बात करें, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है अगर इसकी साइड डी है तो हमें पता है कि जो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इसकी साइड अपने पास आ जाएगी रूट थ्री बाई टू डी। ये जो डिस्टेंस है सेंट्रॉयड इस डिस्टेंस को 2:1 में डिवाइड करेगा, तो ये जो बड़ा वाला डिस्टेंस आ जाएगा इसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी डी बाय रूट थ्री, राइट। इसका अपन अभी यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले तो सेंट्रॉयड के अबाउट हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है, जिसको आई ओ से रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए तीन स्फीयर है, इस सेंट्रॉयड से पास होने वाली एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर है इसके अबाउट तीनों स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेम रहेगा। अब जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे वो लिखेंगे थ्री टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन स्फीयर। एक स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इसकी एक्सिस के अबाउट पता है और पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करते हुए अपन सेंट्रॉइड से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, आर इसका रेडियस हो जाएगा जो कि डी बाई टू है, और प्लस एम टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस, जो कि अपन को दिया हुआ है डी बाय रूट थ्री के इक्वल। तो आई ओ के लिए हम जब सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी थ्री टाइम्स, देखिए आ जाएगा डी स्क्वायर बाय फोर इंटू टू बाय फाइव करेंगे तो ये आएगा एम डी स्क्वायर बाय 10, और प्लस यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी अपने पास एम डी स्क्वायर बाय 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13 एम डी स्क्वायर बाय 30, एक 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा 13 एम डी स्क्वायर बाय 10। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओ है इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं 13 बाय 10 एम डी स्क्वायर। नेक्स्ट जो अपना टारगेट इसमें है वो आई ए कैलकुलेट करने का है। तो देखिए आई ए जो है वो एक स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट तो आ जाएगा 2/5 एम इंटू आर स्क्वायर प्लस
दो स्फीयर बी और सी भी हैं, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट जो है वो सिमेट्री के से अपन बता सकते हैं कि सेम रहेगा, तो टोटल टू टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेते हैं किसी एक स्फीयर का। अब बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट है 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो डी के इक्वल है, जो कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम लिखेंगे आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। तो जब अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, एक वैल्यू तो अपने पास आएगी एम डी स्क्वायर बाय 10 यहाँ से प्लस टू टाइम्स एम डी स्क्वायर बाय 10 प्लस एम डी स्क्वायर। तो अगर अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए ये वैल्यू आ जाएगी 22/10 प्लस 1/10 विच इज 23/10 एम डी स्क्वायर। अब अपन से उसने पूछा हुआ है कि रेशो आई ओ बाय आई ए कितना होगा, तो जब आई ओ बाय आई ए का जो रेशो है इसको अपन यहां लिखेंगे तो आई ओ बाय आई ए की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 13/23 के इक्वल। तो जो करेक्ट ऑप्शन अपना इसमें मैच करेगा वो आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स से है और ग्राफ पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विवेलेंट साइक्लिक प्रोसेस करस्पॉन्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक साइक्लिक गिवन इन द फिगर। फर्स्ट और सेकेंड के बीच में जो प्रोसेस है इसको एडियाबेटिक प्रोसेस बताया हुआ है। अब हमें ये पता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस है तो इसके लिए रिलेशन पी वी रेज टू पावर गामा जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। ऑप्शंस अगर देखते हैं तो सब में देखिए वी वर्सेस टी ग्राफ अपन को इसमें प्लॉट करना है। तो इसको अगर अपन वी टी में रिलेट करते हैं तो पी को लिख सकते हैं एन आर टी बाई वी, तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी टी इंटू वी रेज टू पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो देखिए जो वी वर्सेस टी ग्राफ होगा बेसिकली अपन एलिमिनेशन अप्रोच पर जाएं तो थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाएगा। जैसे सेकंड ऑप्शन में अगर देखते हैं तो वी वर्सेस टी जो फर्स्ट और सेकंड के बीच का ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन है तो अपन इसको चूज नहीं कर सकते बिकॉज ये लीनियर रिलेशन नहीं आएगा। बाकी तीनों में ठीक है, कर्व अपने पास मिल रहा है और तीनों कर्व जो ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं अपन को। सेकेंड अगर अपन बात करते हैं 2-3 प्रोसेस की, तो ये प्रोसेस ऐसा है जो कॉन्स्टेंट प्रेशर का है। अब आइडियल गैस इक्वेशन से हमें ये पता चलेगा कि अगर किसी भी गैस में प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है तो जो इसका वॉल्यूम आएगा वो इसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आना चाहिए। तो वॉल्यूम वर्सेस टी का जो ग्राफ रहेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा जो ओरिजिन से पास होगा। तो सेकेंड से थर्ड के बीच में हमें वो ग्राफ मिलना चाहिए जो एक स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास हो रहा है। यहाँ पर भी ये ग्राफ नहीं है और सेकेंड से थर्ड के बीच में ये वाला ग्राफ भी जो है ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। वैसे तो ये कि थर्ड ऑप्शन बचता है, फिर भी अपन एक और इसमें चेक कर लेते हैं कि 3-1 जो है वो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो 3-1 में वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए, तो एक थर्ड ऑप्शन जो है अपने पास इसमें मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ है कि रेडिएशन विद वेवलेंथ 6561 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन मेटल सरफेस टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन्स आर मेड टू एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3×10⁻⁴ टेस्ला। इफ द रेडियस ऑफ लार्जेस्ट सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इज 10 mm, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज क्लोज टू। देखिए किसी मेटल पर अगर अपन लाइट रेज को इंसिडेंट करते हैं किसी वेवलेंथ लैम्डा से, तो हमें पता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसका रिलेशन हमें पता है कि के मैक्सिमम जो आ जाएगा अपने पास वो एच सी बाई लैम्डा माइनस फाइव के इक्वल आना है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जा रहे हैं इनको किसी मैग्नेटिक फील्ड में से अपन क्रॉस करवाते हैं, तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो जो लार्जेस्ट रेडियस का सर्कल ये फॉलो करेगा उसका रेडियस हमें दे रखा है दिस इज 10 mm। अब हुआ ये कि इस रेडियस की अगर अपन बात करते हैं तो ये रेडियस एम वी बाई क्यू बी के इक्वल होता है, जहाँ एम वी जो है इस पार्टिकल का, इस चार्ज पार्टिकल का या इलेक्ट्रॉन का बेसिकली मोमेंटम हो जाएगा। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को अगर अपन ने रिलेट करना है तो ये रिलेशन अपने पास आता है √2mk/qb। देखिए काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन अपने पास यहाँ से आ जाएगा जिसको अपन यहाँ यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से अपन वर्क फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं
तो ये है आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 2m। अब यहाँ पर देखिए जो रेडियस गिवन है ये 10 मिलीमीटर है, तो इसकी वैल्यू अपन पुट करेंगे 10 × 10⁻³ मीटर में आ जाएगा स्क्वायर। क्यू जो है ये अपने पास 1.6 × 10⁻¹⁹ के इक्वल, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड है 3 × 10⁻⁴, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 × 10⁻⁴ का स्क्वायर अपॉन 2 × m। इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा 9.1 × 10⁻³¹ kg। अब ये जो वैल्यू अपने पास आ रही है ये वैल्यू जूल्स में आएगी, और हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेशन करनी है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए अपन इसको डिवाइड कर लेते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹ से। तो एक ये वाली वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगी इससे, रिमेनिंग जो वैल्यू है इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू अपने पास 0.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आ जाएगी। अब देखिए जो अपने पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ रही है ये है 0.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अपने पास आ रही है ये है 0.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका अपन यूज़ करेंगे इस इक्वेशन में। सबसे पहले अपन एच सी बाय लैम्डा कैलकुलेट कर लें। एच सी बाय लैम्डा अपने पास आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर रिलेट करते हैं तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से आनी चाहिए, और जैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं तो जो मेटल का वर्क फंक्शन आ जाएगा ये आएगा एच सी बाय लैम्डा माइनस के मैक्सिमम। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें जो सेकंड ऑप्शन है ये अपने पास मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें अपन से ये दिया हुआ है कि एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है, प्रेशर ऑफ वाटर चेंजेस बाय 700 Nm/m² बिटवीन ए एंड बी, वेयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर 40 cm² and 20 cm², फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ट्यूब। देखिए रेट ऑफ फ्लो का मतलब ये हो जाएगा कि पर सेकेंड कितना वॉल्यूम इसमें से क्रॉस कर रहा है, और पर सेकेंड जो वॉल्यूम क्रॉस करेगा इसको अपन ए इंटू वी, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वेलोसिटी जो आएगी इस क्रॉस सेक्शन पर उससे रिप्रेजेंट करने देंगे। तो ये वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर सेकंड जो फ्लो कर रहा है इसमें से ए इंटू वी आ जाएगा। अब अपना एम ये है कि क्रॉस सेक्शन एरिया हमें पता है, एक बार हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे उस क्रॉस सेक्शन एरिया पर तो पर सेकंड जो वॉल्यूम फ्लो कर रहा है वो हमें पता चल जाएगा। सबसे पहले तो इन दोनों पॉइंट्स को अपन ऑलमोस्ट सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मानते हुए सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इसने मेंशन कर ही दिया कि हॉरिजॉन्टल ट्यूब अपन को लेके चलनी है। तो सेम प्लेन में ये दोनों पॉइंट्स हैं, एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अपन यूज़ कर सकते हैं A1V1 = A2V2, जहाँ V1 जो है ये स्पीड A पॉइंट पर है और V2 जो स्पीड है ये B पॉइंट पर है। क्रॉस सेक्शन एरिया हमें दे रखा है इसने 40 cm², और यहाँ पर है ये 20 cm². तो जैसे अपन इसको सॉल्व करते हैं तो V2 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 2 × V1। दूसरा अगर अपन बर्नौलीज थ्योरम यहाँ यूज़ करेंगे तो सेम हाइट पर हैं तो रोजी एच वाली टर्म अपन यूज़ नहीं करेंगे। प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस हाफ रो V1² = प्रेशर एट पॉइंट बी प्लस हाफ रो V2². देखिए एक तो प्रेशर का डिफरेंस अपन को दे रखा है, पी ए माइनस पी बी जो आएगा इसकी वैल्यू उसने दे रखी है 700 Nm/m² है, इसको अपन लिख सकते हैं हाफ रो V2² - V1². अब V2 जो है ये 2 × V1 है तो अपन इसको लिख सकते हैं 4 × V1² और एक ये V1² यहाँ से आएगा, तो फाइनली अपने पास ये आ जाएगा 3/2 ρ V1² अगर अपन वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आएगा 700 = 3/2 ρ जो कि 1000 दे रखा है × V1². तो यहाँ से अपन कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास V1 की वैल्यू आएगी। जैसे अपन इसको सॉल्व करते हैं तो ये V1 की वैल्यू ऑलमोस्ट 68.3
सेंटीमीटर पर सेकंड के इक्वल आती है। नाउ अपन से ये पूछा गया है कि इसमें से फ्लो होने वाला जो वाटर है इसका वॉल्यूम पर सेकंड कितना फ्लो करेगा। जब कैलकुलेशन करते हैं तो ए इंटू वी ये जो वैल्यू आ जाएगी अपने पास ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 68.3 सेंटीमीटर पर सेकंड के इक्वल आ जाएगी। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये आएगी अपने पास 2732 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो सबसे क्लोज है वो है 2720 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो अपन इसी ऑप्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में अपन को दो वेव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ टू प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन वेव्स इन वैक्यूम आर गिवन बाय दिस एंड दिस। E1 और E2 की वैल्यू दे रखी है दोनों EM वेव्स के लिए। अब EM वेव्स में हमें पता है कि अगर वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कुछ एक्स डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कैसा होता है, कुछ इस तरीके से कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जो आ जाएगा वो E क्रॉस B की डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और E क्रॉस B की डायरेक्शन में EM वेव प्रोपेगेट करती है। दूसरा हमें रिलेशन ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है इनको अपन रिलेट करते हैं कुछ इस तरीके से कि ई नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इंटू सी। अब अपना एम ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है गिवन EM वेव के लिए तो हम उसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अपन वही बात कर रहे हैं कि अगर E1 गिवन है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी। अब देखिए B1 जो है इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा E0/c। फेज जो रहता है दोनों का सेम रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो अपन B1 को लिखेंगे E0/c cos ओमेगा t माइनस kx। दूसरा इशू है कि डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करें, तो इस वेव का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो j में है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी अपने पास वो k कैप के अलॉन्ग या z डायरेक्शन के अलॉन्ग आनी चाहिए ताकि अपन ई क्रॉस बी की डायरेक्शन देख सकेंगे कि आई कैप के अलॉन्ग आ जाएगी। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो अपने पास के कैप की डायरेक्शन में आनी चाहिए। सेकंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे, तो देखिए इसका भी एम्पलीट्यूड E0/c, फेज सेम रहता है तो ये भी रहेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के वाई। इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि जो सेकंड ईएम वेव है वो प्रोपेगेट हो रही है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन हो रहा है वो हो रहा है जेड डायरेक्शन में। अब ई क्रॉस बी जो आना चाहिए वो अपने पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के अलॉन्ग आना चाहिए, तो अगर अपने पास यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो के कैप में है तो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन आई कैप में होना चाहिए ताकि डायरेक्शन अपने पास जो आ जाएगी वो जे कैप में आ जाएगी। तो जहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इसका वेरिएशन होना चाहिए अपने पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो अब दोनों ही वेव्स के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन अपने को पता चल रहा है दोनों ही वेव्स के लिए। लॉरेंस फोर्स की अगर बात करें तो किसी भी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स होता है क्यू इंटू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। अब देखिए उसने ये पूछा हुआ है कि इस पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स बताना है जब ये ओरिजिन पर है और इसकी वेलोसिटी जो दे रखी है वो 0.8c जे कैप में है। सबसे पहले तो जब ये ओरिजिन पर बात कर रहा है तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों अपन जीरो पुट करेंगे और जो फोर्स है दोनों वेव्स के कारण वो अपन लिखने वाले हैं। तो नेट फोर्स अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के कारण आ जाएगा वो तो आ जाएगा Q इंटू ई नॉट जे कैप में प्लस Q जो वेलोसिटी दे रखी है ये है 0.8c जे कैप और इसका क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए हमें मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब x इक्वल टू जीरो पर ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी E0/c के कैप प्लस जो सेकंड ईएम वेव है इसके कारण जो फोर्स आएगा
वो आ जाएगा क्यू इंटू ई नॉट के कैप में वैल्यू वाई इक्वल टू जीरो पर अपन देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वहाँ पर ई नॉट के कैप आ जाएगी प्लस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा क्यू वी क्रॉस बी और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जब चेक करेंगे वाई इक्वल टू जीरो पर तो ये आ जाएगी ई नॉट बाय सी टाइम्स आई कैप राइट। तो सभी एक्सप्रेशन में अगर अपन देखें तो क्यू ई नॉट अपने पास एक कॉमन टर्म आ जाएगी, फर्स्ट टर्म से अपने पास बचेगा जे कैप, ये वाली जो टर्म है इसमें अपने पास वैल्यू आ जाएगी 0.8 जे क्रॉस के और जे क्रॉस के की जो वैल्यू होती है वो आई कैप होती है तो अपन इसको लिखेंगे 0.8 आई कैप प्लस ये वाली जो टर्म है इसमें अपने पास के कैप मौजूद है और लास्ट वाली जो टर्म है इसमें 0.8 जे क्रॉस आई और जे क्रॉस आई की जो वैल्यू हो जाएगी वो माइनस के आ जाएगी। अल्टीमेटली जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी क्यू ई नॉट 0.8 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0.2 के कैप। तो फाइनली जो आंसर मैच करेगा वो अपने पास फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा जिसको अपन करेक्ट मान के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है कि टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास एम हैव रिस्पेक्टिव इनिशियल वेलोसिटीज यू आई कैप एंड यू आई कैप प्लस जे कैप बाई टू, दे कोलाइड कम्प्लीटली इन इलास्टिकली, द एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में अपन से एनर्जी के लॉस के बारे में पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले तो ये है कि m मास का कोई पार्टिकल है, इसके पास u वेलोसिटी है i कैप डायरेक्शन में और दूसरा जो पार्टिकल है इसका भी मास m है और इसकी जो वेलोसिटी है वो u बाई टू आई कैप प्लस जे कैप है। अगर अपन मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज़ करते हैं तो जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल, तो इनिशियल मोमेंटम अपने पास आ जाएगा m u i कैप प्लस m u बाय टू आई कैप प्लस j कैप और क्योंकि कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन है तो कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन में दोनों पार्टिकल स्टिक टुगेदर हो जाएंगे तो फाइनल जो मोमेंटम आएगा वो आ जाएगा 2m इंटू वी, वी इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो जब अपन इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास जो फाइनल वेलोसिटी वी आएगा वो आ जाएगा, देखिए u प्लस यू बाई टू आई कैप में ये आ जाएगा 3u बाई टू, डिवाइडर में ये 2 चला जाएगा तो ये आ जाएगा 3 बाई फोर यू आई कैप प्लस जे कैप वाली टर्म जो है ये आ जाएगी अपने पास u बाय फोर जे कैप। तो हमें दोनों पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटीज़ पता हैं और जब ये कंबाइंड पार्टिकल स्टिक होके चलता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी हमें पता है। अब अपन को काइनेटिक एनर्जी की बात करनी है तो इनिशियल जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आएगी वो है हाफ एम यू स्क्वायर फर्स्ट वाले पार्टिकल के लिए और सेकंड पार्टिकल के लिए जब आप इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा हाफ एम और इसकी जो स्पीड का स्क्वायर आएगा। तो अपन को वेलोसिटी पता है, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा अपने पास यू बाय टू टाइम्स रूट टू इसका स्क्वायर। तो जो फाइनल इनिशियल सॉरी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ये है अपने पास हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ एम यू स्क्वायर बाय टू। कैलकुलेशन से अपन को पता चलेगा कि जो टोटल एनर्जी आ जाएगी इनिशियली वो आएगी 3 बाय फोर एम यू स्क्वायर। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को अगर अपन लिखें 3 बाय फोर एम यू स्क्वायर, नेक्स्ट अपन इसमें फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैलकुलेट कर लें। फाइनल वेलोसिटी अपन को यहाँ पर पता है तो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ इंटू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंटू इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा ये वाली वैल्यू। तो जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी एम यू स्क्वायर, ये आएगा अपने पास 10/16 जो कि 5/8 के इक्वल होगा। नाउ अपने पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों काइनेटिक एनर्जीज मौजूद हैं जो पूरी
एनर्जी का जो लॉस आएगा वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, तो लॉस को अपन लिखेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 3/4 mu² माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी 5/8 mu². तो ये वैल्यू सॉल्व करने पर अपने पास आ जाएगी 1/8 mu². तो इसमें सेकंड ऑप्शन जो है अपना मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास, इसमें दिया हुआ है कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, कैरीज अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो। इफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r/2 इज कार्व्ड आउट फ्रॉम इट एज शोन इन द फिगर, द रेशो ऑफ EA/EB ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड बी अपन से कैलकुलेट करवा रहा है। अब देखिए, इसका बेसिक जो अप्रोच रहता है वो ये है कि अगर हमने इस पूरे स्फीयर में से एक वॉल्यूम कट कर दिया है तो इस रिमेनिंग पोर्शन के कारण फील्ड कैलकुलेट करना है, तो अपन सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल यूज़ करते हैं कि ये जो पूरा स्फीयर है जिसमें से हमने एक छोटा स्फीयर रिमूव किया हुआ है, तो अपन उसको वापस कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। इस रिमेनिंग पोर्शन को अपन मान लेंगे कि ये प्लस रो डेंसिटी का एक स्फीयर है और इसमें हमने माइनस रो डेंसिटी का एक स्फीयर और इंक्लूड कर दिया, दोनों का सुपर पोजिशन जो आ जाएगा वो ये वाला रिमेनिंग पोर्शन अपने पास बचेगा। अब देखिए, इस रिमेनिंग पोर्शन के कारण फील्ड कैलकुलेट करना है तो अपन इन दोनों के कारण फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे और फाइनली जो रेशो चाहिए उसको कैलकुलेट कर लेंगे। उसके लिए अपने पास ये चाहिए होगा कि ये जो कंप्लीट स्फीयर है इस पर चार्ज मान लेते हैं Q1 आ जाएगा और इस पर जो चार्ज है वो मान लेते हैं Q2 आ जाएगा। पॉइंट ए इस बड़े वाले स्फीयर के सेंटर पर रहेगा और इस छोटे वाले स्फीयर के सरफेस पर आ जाएगा, और सेकंड पॉइंट जो बी है वो इस बड़े वाले स्फीयर के सरफेस पर है और छोटे वाले स्फीयर के लिए ये उस छोटे के सेंटर से 3r/2 डिस्टेंस पर रहेगा। तो अपन को ये पता है कि चार्ज Q1 और Q2 जो है मैग्नीट्यूड वाइज ये कितने हो जाएंगे, तो Q1 अपने पास आ जाएगा रो इंटू 4/3 πr³, और जो चार्ज Q2 है ये आ जाएगा माइनस रो इंटू 4/3 πr²³। और जब पॉइंट ए पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो देखिए, पॉइंट ए जो है ये बड़े वाले स्फीयर के सेंटर पर है तो उसके कारण तो फील्ड आ जाएगी 0। मैग्नीट्यूड वाइज अगर अपन को चाहिए पॉइंट ए की जो फील्ड, तो वो आ जाएगी KQ/r²². अब जैसे ही अपन Q/2 की यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस करेंगे, माइनस साइन अवॉइड करेंगे बिकॉज अपन मैग्नीट्यूड ही लिखना चाहते हैं, तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी 2/3 Kρ π r। नेक्स्ट, जब अपन सेकेंड पॉइंट बी पर फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बी पॉइंट पर फील्ड जो है वो दोनों एलिमेंट्स के कारण आएगी, कंप्लीट स्फीयर जो है इसके सरफेस पर है ये पॉइंट, तो इसके कारण फील्ड आ जाएगी KQ1/r². और जो सेकेंड छोटा वाला स्फीयर है इसके कारण फील्ड टूवर्ड सेंटर रहेगी जो कि इसके अपोजिट आएगी, तो उसको माइनस के साथ लिखेंगे, यह आएगा KQ2/ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 3r/2। Q1 और Q2 की वैल्यूज़ अपन यहाँ से रिप्लेस करेंगे, जब वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 34/27 टाइम्स Kρ π r। तो अपने पास EA और EB दोनों जब आ चुके हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए का रेशो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी के साथ जब अपन देखेंगे तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी 18/34, जो कि सेकंड ऑप्शन जो है इसमें सही मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें 3 हार्मोनिक वेव्स हैविंग इक्वल फ्रिक्वेंसी न्यू, सेम इंटेंसिटी I0, हैविंग फेज एंगल्स 0π/4 एंड -π/4 रिस्पेक्टिवली, व्हेन दे आर सुपरपोज्ड द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। अब देखिए, हमसे रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपना एम ये रहेगा कि अपन रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे, और ये भी पता है कि जो इंटेंसिटी आ जाएगी वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहेगी। तो फेजर डायग्राम का यूज़ करते हुए अपन इन तीनों वेव्स का जो रिजल्टेंट
एम्पलीट्यूड है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, सभी वेव्स की इंटेंसिटी आई नॉट है, तो सपोज सभी वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो ए नॉट है। जब फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एक वेक्टर अपन ए नॉट लेंथ का यहाँ ड्रॉ करेंगे जीरो एंगल के करस्पॉन्डिंग, एक आ जाएगा पाई बाय फोर एंगल के करस्पॉन्डिंग, और एक वेक्टर आ जाएगा अपने पास माइनस पाई बाय फोर के करस्पॉन्डिंग। अब इन तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट चाहिए, तो देखिए ये जो दो वेक्टर्स हैं ये आपस में 90 डिग्री के एंगल पर हैं, तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो इस ए नॉट की डायरेक्शन में आ जाएगा, और दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो होगा वो ए नॉट टाइम्स रूट टू हो जाएगा। तो फाइनली अपने पास जो आउटपुट मिलेगा वो एक वेक्टर ए नॉट और दूसरा ए नॉट रूट टू है, तो सेम डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट वेक्टर अपने को मिल जाएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा ए नॉट इंटू वन प्लस रूट टू। ना जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अपन को पता है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो आएगी वो क्या आ जाएगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहेगी। तो जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करेंगे, इनिशियल जो इंटेंसिटी आई नॉट है वो के टाइम्स ए नॉट स्क्वायर है, तो अभी जो इंटेंसिटी अपने पास आ जाएगी वो सेम कॉन्स्टेंट के टाइम्स ए नॉट इंटू वन प्लस रूट टू का होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। जैसे अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो आई की वैल्यू मिलेगी वो अप्रॉक्सीमेटली 5.8 टाइम्स आई नॉट के इक्वल आ जानी है, जिससे कि अपना थर्ड ऑप्शन मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास, इसमें एक क्वान्टिटी एफ गिवन है विच इज़ अंडर रूट ऑफ एच सी रेज टू पावर 5 बाई जी। यहाँ सी जो है ये लाइट की स्पीड है, जी इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट एंड एच इज़ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। तो हमसे इस एफ की डायमेंशंस की बात कर रहा है, तो सबसे पहले तो अपन जो डायमेंशंस पता है उनकी बात कर लें। ई इक्वल्स टू एच न्यू का यूज़ करते हुए अपन प्लैंक कॉन्स्टेंट एच की डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो डायमेंशन आ जाएंगी ये एनर्जी इंटू टाइम की डायमेंशन आ जाएंगी। एनर्जी की डायमेंशन है एम एल टू टी माइनस टू, और इंटू टाइम करेंगे तो अपने पास एच की जो डायमेंशन आएगी वो आएगी एम एल टू टी माइनस वन। सी जो है ये स्पीड है, तो इसकी डायमेंशन हमें पता है एल टी माइनस वन रहेगी, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है जी, इसकी वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर वाले रिलेशन से। इसमें हमें पता है कि F जो है ये एम एल टी माइनस टू रहेगा इन टू मीटर एम स्क्वायर की, सॉरी एल स्क्वायर की डायमेंशन और आ जाएगी, और अपॉन एम स्क्वायर की डायमेंशन डिवीजन में जाएगी, तो जो G की डायमेंशन आ जाएगी ये है एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। तो जब अपन यही वैल्यू सारी की सारी यहाँ पर पुट करते हैं तो जो F की डायमेंशन आ जाएंगी ये अपने पास आएंगी h की डायमेंशन इंटू c रेज टू पावर 5 की डायमेंशन अपॉन g की डायमेंशन होल रेज टू पावर हाफ। तो जैसे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी एम एल टू टी माइनस टू। ये जो डायमेंशन है ये एनर्जी की डायमेंशन आ जाएगी, तो अपना इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट मैच करेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है अपने सामने ये है, कंसीडर टू आइडियल डायटोमिक गैसेस ए एंड बी एट सम टेम्परेचर टी। मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस ए आर रिजिड एंड हैव मास एम। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस बी हैव एन एडिशनल वाइब्रेशनल मोड एंड हैव मास एम बाय 4। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ ए एंड बी। अब देखिए जो स्पेसिफिक हीट है इसको अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ रिलेट करें, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये रिलेशन अपने पास आता है एफ बाई टू इंटू आर के इक्वल। आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट रहेगा, एफ जो है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो देखो डायटोमिक गैस गिवन है, डायटोमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो रहती है लो टेम्परेचर पर ये 5 है, और हायर टेम्परेचर पर वाइब्रेशन स्टार्ट होने के कारण जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी वो 7 हो जाती है। अब जैसा कि क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ है कि जो ए है ये रिजिड है
और इसके वाइब्रेशंस के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, तो ए की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी ये अपन 5 मान के चलेंगे। जैसा कि उसने बी के बारे में ये बोल दिया कि हैव एन एडिशनल वाइब्रेशनल मोड, इसका मतलब जो बी की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी वो 7 हो जाएगी। तो जब अपन सीवी का रेशो सीवी ऑफ ए इज टू सीवी ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के रेशो में आ जाएगा अपने पास। ए का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये अपन बोल रहे हैं 5 और बी का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये 7 हो जाएगा। तो फाइनली अपने पास जो आंसर आएगा वो 5:7 आना चाहिए और ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसमें सही मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो आ रहा है इसमें एक फोर्स दिया हुआ है और इस फोर्स का वर्क डन पूछा हुआ है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जाने में। देखिए जो फोर्स गिवन है वो है -xi कैप +yj कैप। सपोज अपन एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr कंसिडर करते हैं जो कि dxi कैप +dyj कैप हो जाए। अब इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन लिखेंगे, इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का जो वर्क डन आएगा वो आएगा f.dr। इसमें जब अपन डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी -x(dx)y(dy)। जब हमें टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है तो टोटल वर्क डन अपन को इसका इंटीग्रेशन से मिलेगा। ये वैल्यू आएगी अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ -xdx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ydy। जो लिमिट अपन यूज करेंगे x की वैल्यू का वेरिएशन हो रहा है 1 से लेकर 0 तक और जो y का वेरिएशन है वो है 0 से लेकर 1 तक। फर्दर इसमें कैलकुलेशन ये बताएंगे कि x का जो इंटीग्रेशन आ जाएगा ये आएगा x²/2 और लिमिट हमने पुट करनी है 0 से 1 तक, प्लस y का इंटीग्रेशन आ जाएगा y²/2, लिमिट पुट करेंगे 0 से 1 तक। तो जैसे ये लिमिट पुट करेंगे अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 जूल। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें अपन को ये दिया हुआ है कि एक डाइपोल है जिसकी डाइपोल मोमेंट गिवन है, ओरिजिन पर इसको रखा हुआ है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस डाइपोल एट पोजीशन i कैप +3j कैप +5k कैप अपन से पूछी गई है। एक इंपॉर्टेंट बात जो हमें चेक नहीं करना पड़ेगा वो पहले इन्होंने मेंशन कर दिया है कि r.p जो है ये 0 है। इसका मतलब जो डाइपोल मोमेंट है और जिस पोजीशन पर हमने ये फील्ड कैलकुलेट करनी है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब हमें पता है कि ये जो पॉइंट है ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ जाएगा। अगर ये पॉइंट इक्वेटोरियल पोजीशन पर है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट रहेगी। तो इस क्वेश्चन में अपन को कैलकुलेशंस में जाना नहीं पड़ेगा, अपन डायरेक्ट ये चेक करेंगे कि जो डाइपोल मोमेंट है इसके अपोजिट वेक्टर कौन सा इसमें ऑप्शंस में मैच कर रहा है। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट अपने पास आ जाएगा i कैप +3j कैप -2k कैप के पैरेलल कोई वेक्टर आना चाहिए। ये अपने पास फील्ड के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। जब अपन ऑप्शन चेक करेंगे तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4th है वो सही मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास आ रहा है इसमें दिया हुआ है कि एक स्ट्रेट यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, एक एंड पर इसको पाइवट किया हुआ है हॉरिजॉन्टल टेबल पर। इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट व्हेन इट मेक्स एन एंगल 30° फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड व्हेन इट हिट्स द टेबल। अब देखिए जब अपन इस रॉड को यहाँ से रिलीज करेंगे तो एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट अपन यहाँ यूज़ करने वाले हैं। जब इस रॉड को इस एंड पर हिंज करते हुए रिलीज किया है और ये यहाँ फॉल करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी का लॉस चाहिए तो अपन सेंटर ऑफ मास से देखेंगे। जो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके मिड पॉइंट पर होगा यानी कि L/2 पर। इनिशियल जो एंगल गिवन है ये 30° गिवन है। जब रॉड जस्ट इस टेबल को हिट कर रही होगी किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तब जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना वर्टिकली डाउनफॉल हुआ वो आ जाएगा L/2 का sin 30 वाला कंपोनेंट। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा mg L/2 sin 30 और पोटेंशियल एनर्जी का ये जो लॉस होगा ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 ω². अब कैलकुलेशन जब अपन कर रहे हैं तो m कैंसिल आउट हो रहा है
ये आ जाएगा जी इंटू एल बाई फोर इक्वल्स टू 1/6 इंटू एल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से अपने पास ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 3g बाई 2l के इक्वल। जैसा कि l क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 मीटर है, g की वैल्यू अपन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसिडर करते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 15, जिससे पता चलेगा कि जो ओमेगा है ये अपने पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 15 रेडियन पर सेकेंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा n की वैल्यू आ जाएगी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ है कि बोथ द डायोड्स यूज्ड इन द सर्किट आर अज्यूम टू बी आइडियल एंड हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस व्हेन दीज आर फॉरवर्ड बायस्ड। बिल्ट इन पोटेंशियल ऑफ ईच डायोड इज 0.7। फॉर द इनपुट वोल्टेज इज शोन इन द फिगर द वोल्टेज एट पॉइंट ए। अब देखिए अपन को जो वोल्टेज दे रखी है, इस टर्मिनल का जो वोल्टेज है ये 12.7 है और इसका जो वोल्टेज है ये 4 वोल्ट है। तो क्लियर कट यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये वाला जो फर्स्ट डायोड है ये फॉरवर्ड बायस्ड रहेगा और जो सेकंड डायोड आ जाएगा ये रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस्ड है तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा अपने पास 12.7 माइनस वी ए, ये ड्रॉप अपन को दिया हुआ है कितना कंसिडर करना है अपन ने 0.7 वोल्ट। तो जैसे अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वी ए की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी अपने पास 12 वोल्ट के इक्वल। तो जो इसका करेक्ट आंसर ए पॉइंट का पोटेंशियल इन वोल्ट्स आएगा वो आएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन को दिया हुआ है, इसमें अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज अटैच टू वन एंड ऑफ वायर ऑफ लेंथ 0.3 मीटर। मैक्सिमम एंगुलर स्पीड विद विच इट कैन बी रोटेटेड अबाउट द अदर एंड इन स्पेस स्टेशन। तो देखिए, एक तो स्पेस स्टेशन की बात कर रहा है तो अपन ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करके चलेंगे वहाँ पर, और हो ये रहा है कि एक वायर के साथ हमने एक मास अटैच किया हुआ है और इसको किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करवा रहे हैं। हमें ये पता है कि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, तो सर्कुलर मोशन के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है ये टेंशन से आएगा। टेंशन की जो वैल्यू आ जाएगी ये है एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। अब देखिए, जितनी ओमेगा की वैल्यू ज़्यादा रहेगी उतने ही ज़्यादा टेंशन रहेगी, और जब अपन से स्ट्रेस की बात करेगा तो स्ट्रेस जो आ जाएगा ये आएगा फोर्स पर यूनिट एरिया। मैक्सिमम जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो तब होगा जब टेंशन मैक्सिमम हो जाएगी, उसके करस्पॉन्डिंग अपने पास जो एंगुलर वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट करनी है यहाँ पर। तो जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ब्रेकिंग स्ट्रेस इंटू एरिया बाय एम इंटू एल। अगर अपन इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं, देखिए जो ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखा है वो है 4.8 इंटू 10^7। इसका जो क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है वो है 10^-2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, अपॉन मास ऑफ द पार्टिकल विच इज़ 10 kg एंड लेंथ गिवन इज 0.3 मीटर। तो देखिए, इसमें कैलकुलेशन जब अपन करेंगे तो न्यूमरेटर में तो अपने पास पावर बचेगी 1 और 48 ये वैल्यू आ जाएगी, और डिनोमिनेटर में बचेगा 3। तो कैलकुलेशन में अपने पास ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो 16 आ रही है। जैसे ही सॉल्व करते हैं तो ओमेगा की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 4 रेडियन पर सेकंड। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आएगा 4। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि एक चोक है ट्रांसफार्मर में जिसका जो रिवर्स वोल्टेज है वो 100 वोल्ट है, और ये प्रोड्यूस होता है जब व्हेन चोक करंट चेंजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0.25 एम्पियर टू 0 इन अ ड्यूरेशन ऑफ 0.025 मिली सेकेंड्स। और अपन से ये पूछा गया है कि इस चोक का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा। जैसा कि अपन सबको पता है कि जो रिलेशन आएगा वो आ जाएगा EMF इक्वल्स टू माइनस एल डीआई बाय डीटी। तो इस रिलेशन को जब अपन यूज़ करेंगे, देखिए एक तो EMF जो इंड्यूस हो रहा है वो उसने दे रखा है कि 100 है L टाइम्स। अब क्योंकि करंट डिक्रीज हो रहा है तो DI बाई DT नेगेटिव होगा, तो माइनस माइनस को अपन कंपनसेट करके जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा चेंज का वो आ जाएगा 0.25 अपॉन जो लगने वाला टाइम है वो है 0.025 मिली सेकेंड्स। तो L के लिए जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनली इसमें L का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10 मिली हेनरी। और जैसा उसने पूछा भी है कि मिली हेनरी में इसका आंसर आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 10।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें ये दिया हुआ है कि डिस्टेंस एक्स कवर्ड बाय पार्टिकल इन वन डायमेंशन मोशन वेरीज विद टाइम एज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर प्लस टू बी टी प्लस सी. इफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन एक्स एज एक्स रेज टू पावर माइनस एन वेयर एन इज एन इंटीजर फाइंड वैल्यू ऑफ एन. तो इस क्वेश्चन में हमें एक्स दिया हुआ है टाइम के साथ वेरी करता हुआ एक्सेलरेशन तक जाना है. तो जो एक्सप्रेशन अपन को दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर प्लस टू बी टी प्लस सी, यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगी टू एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, जिसको मैं वी से रिप्लेस कर रहा हूँ, इक्वल्स टू टू ए टी प्लस टू बी. एक टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से अपने पास आएगा एक्स इंटू वी इक्वल्स टू ए टी प्लस बी. अब यहाँ से हम वी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं टाइम और एक्स के टर्म्स में, तो ये आ जाएगा वी इक्वल्स टू ए टी प्लस बी बाई एक्स. इसका यूज़ अपन आगे जाके फिर से कर लेंगे. एक बार ये जो x इंटू वी वाला प्रोडक्ट अपने को मिल रहा है इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे, बिकॉज v के डिफ्रेंशिएशन से अपने पास एक्सेलरेशन आने वाला है. तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x को एज इट इज़ रख के v का डिफ्रेंशिएशन जो कि एक्सेलरेशन होगा उसको मैं अल्फा से लिख रहा हूँ, प्लस v को एज इट इज़ रखा x का डिफ्रेंशिएशन v हो जाएगा, तो ये v इंटू वी वी स्क्वायर हो जाना है और राइट हैंड साइड पर अपने पास मिलेगा a. इस एक्सप्रेशन में हम अल्फा कैलकुलेट कर लेते हैं तो जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी ए माइनस वी स्क्वायर बाय एक्स. देखिए वी की वैल्यू अपन यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं तो जो अल्फा की वैल्यू अपने पास आएगी वो है ए माइनस ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर ओवर एक्स. तो यहाँ जब अपन सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू अपने पास आएगी डिनोमिनेटर में तो अपने पास बच जाएगा एक्स क्यूब और ये आएगा अपने पास ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए टी इंटू बी. अब देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपन इनिशियल वैल्यू से रिप्लेस करेंगे तो एक्स स्क्वायर में अपने पास एक टर्म आएगी ए टी स्क्वायर वाली जिसको a से मल्टीप्लाई करना है, तो ये ए स्क्वायर टी स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा. फिर ए एक्स स्क्वायर में एक टर्म आ जाएगी टू ए बी टी जो इससे कैंसिल आउट हो जाएगी और फाइनली एक ए एक्स स्क्वायर में जो टर्म बचेगी वो है ए सी और माइनस में एक यहाँ पर बचेगा बी स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब. तो न्यूमरेटर जो है ये कॉन्स्टेंट रहेगा तो अपने पास जो एक्सेलरेशन आएगा उसका वेरिएशन आ जाएगा प्रोपोर्शनल रहेगा एक्स रेज टू पावर माइनस थ्री के. तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एक्स रेज टू पावर माइनस एन के प्रोपोर्शनल आना है तो जो एन की वैल्यू अपने पास यहाँ मिलेगी वो आ जाएगी थ्री. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो थ्री हो जाएगा. वेल दिस इज ऑल फॉर द सॉल्यूशन. थैंक यू वेरी मच.